एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? यकीन आपको सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शगुफ्ता अली, वोकेशनल बैंक सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो इन द लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट और कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट मैंडेटरी थे जो टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने में ज़रूरी थे। सो अब हम लोग डिस्कस करने ये जा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम टाइप स्क्रिप्ट में राइट डाउन कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने VS कोड, NPM, इसी के साथ ..js एंड टाइप स्क्रिप्ट, ये चार कंपोनेंट्स मैंने इंस्टॉल करना सिखाए थे। अगर आपने अभी तक मेरे लेक्चर को नहीं देखा, सो कार्ड में मैंने आई बटन में मैंने उसको पिन कर दिया, काइंडली आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। सो अब हम चेक करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम VS को यूज़ करते हुए अपना पहला प्रोग्राम राइट डाउन करेंगे। सो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था कि इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम सिस्टम के अंदर रन हुआ है या नहीं हुआ, या वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। इसी तरीके से हम अपने पास VS कोड को ओपन कर लेते हैं और VS कोड के अंदर सिंपल आप किसी भी एक ड्राइव के अंदर अपने कंप्यूटर की जाकर कोई भी एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं टाइप स्क्रिप्ट के नाम से, और उसी फोल्डर में फिर आप इन सब फाइल्स को सेव करेंगे। सिंपल फाइल पर जाते हैं और कोई भी ओपन फोल्डर पर आ जाते हैं। अब फोल्डर पे जाने से पहले आप किसी भी ड्राइव के अंदर यू कैन मेक अ फोल्डर रिलेटेड टाइप स्क्रिप्ट। तो सिंपल मैं एक फ़ोल्डर डिज़ाइन करने जा रही हूँ, इसका नाम मैं टाइप स्क्रिप्ट रख रही हूँ, एंड देन आप उसको सेलेक्ट फोल्डर कर लें। यहाँ पर VS कोड में वो फोल्डर आपका एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव होने के बाद आपने टाइप स्क्रिप्ट पर क्लिक करके रखना है और यहाँ पर न्यू फाइल आपने जनरेट करनी है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइल नेम आपसे पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी प्रैक्टिस या फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट प्रो के नाम से मैंने शॉर्ट फॉर्म में डॉट के बाद एक्सटेंशन इज़ कंपलसरी। अब आप टाइप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो TS द एक्सटेंशन ऑफ टाइप स्क्रिप्ट जैसे आप एंटर करेंगे वैसे ही आपके सामने firstpro.ts आपके सामने एक्टिव होगी। इसी के साथ जो भी प्रोग्राम आपको राइट डाउन करना होता है वो आप इसी के अंदर राइट डाउन कर लेते हैं। ओके याद रखिएगा टाइप स्क्रिप्ट पे कोई भी प्रोग्राम अगर आप राइट डाउन करते तो वो कंपाइलर करना पड़ता है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। इस बात को आपने माइंड में रखना है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल कोई भी कोड राइट डाउन करते हैं मैं एक वेरिएबल डिक्लेरेशन कर देती हूँ। लाइक वेरिएबल में मैंने एक मैसेज राइट डाउन कर देती हूँ और मैसेज के अंदर मैं एक इक्विवेलेंट कर देती हूँ मैसेज को वोकेशनल्स के बराबर। यहाँ पर मैंने वेरिएबल के अंदर होल्ड करा दिया टैग्स और इसको मैंने यहाँ पर फिनिश किया। इसी के साथ वी आर गोइंग टू कॉल console.log में मैं उसको कॉल करा लेती हूँ और कॉल कराने के लिए सिंपल हम msg वेरिएबल को कॉल करेंगे एंड देन। लेकिन अब जो मकसद है कि हाउ कैन वी रन दिस प्रोग्राम, सबसे पहला काम आपने जाना कहाँ है, आपने व्यू पे जाना है और यहाँ पर अगर आप देखें तो एग्जीक्यूट कराना है आपने इसको। तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एग्जीक्यूटिंग अपीयरेंस। इंटीग्रेटेड एग्जीक्यूट टर्मिनल्स को आपने सर्च करना है व्यू पे जाकर। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल्स। सो फिर हम लोग यहाँ पर जो है वो फाइल बनाते हैं JS की, क्योंकि हमें ये बात क्लियरली पता है कि टाइप स्क्रिप्ट रन नहीं होती ब्राउज़र्स पे। टाइप स्क्रिप्ट के बदले जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है वो ब्राउज़र्स के ऊपर रन होती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, सिंपल हम क्या काम करेंगे, हम व्यू पे जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास एक टर्मिनल होता है जिसको हम एक्टिव कर लेंगे। टर्मिनल एक्टिव करने के बाद आप यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट की जगह पर सिंपल एक कमांड आपको बता रही हूँ जिसको हम टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर कहते हैं। वो लिखने के बाद आप सिंपल इस फाइल का नेम लिख देंगे प्लस एक्सटेंशन के साथ, लाइक फर्स्ट प्रो डॉट ts है, सेम लाइक दैट ts। देन यहाँ देखिएगा जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे हमारे पास एक जेएस जावास्क्रिप्ट की फाइल बनकर आ जाएगी फोल्डर के अंदर, देखिए लाइक दैट, ठीक है। अब अगर आप देखें दोनों का कोड सिमिलर है, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है। रीज़न इज़ दैट अभी क्योंकि फ़िलहाल आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, अभी आप सिंपल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स है तो देन यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द टाइप स्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट, लेकिन फ़िलहाल अभी आपको कोई डिफ्रेंशिएट नहीं दिखेगा। ओके अब जब हमने टाइप स्क्रिप्ट को कन्वर्ट करवा दिया जावा स्क्रिप्ट में, तो ऑब्वियसली जावा स्क्रिप्ट और ख़ुद तो रन ब्राउज़र पे नहीं होगी, तो हमें इसको HTML के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक फ़ाइल ऐड करते हैं HTML की, लाइक index.html रख लें इसका नाम, एंड देन प्रेस एंटर। सॉरी आई डिस्कार्ड दिस, index.html, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर। सिंपल आप बेसिक सिंटेक्स कॉल कर लें HTML का। सिंटेक्स कॉल करने के बाद आप इसके बॉडी एरिया पर आ जाएं और ये सब चलें हेड में हम इसको कॉल कर देते हैं क्योंकि स्क्रिप्ट के बाद SRC सोर्स प्रोवाइड करते हैं। फोल्डर हमारे पास कोई भी नहीं है। सिंपल हम इंडेक्स फर्स्ट प्रो डॉट जेएस को कॉल करा दीजिए, ठीक है, एंड देन स्क्रिप्ट को क्लोज कर दीजिए। अब अगर ब्राउज़र के अंदर हम इसको एग्जीक्यूट करा के चेक करते हैं कि व्हाट इज़ द रिज़ल्ट, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपका रिजल्ट प्रीव्यू कर रहा है। अच्छा अब प्रॉब्लम ये कि यहाँ तो ये दिखेगा नहीं क्योंकि हमने कंसोल पे लिखा है, ठीक है। तो इंस्पेक्ट पे जाकर आप कंसोल को चेक कर सकते हैं, और अगर आप कंसोल को चेक, लाइक मैं आपको प्रीव्यू भी चेक करा देती हूँ ऑन द कंसोल ऐप। रिजल्ट कुछ भी नहीं है प्रीव्यू में, देन गो टू द कंसोल ऐप। तो कंसोल ऐप पर आते हो, रिजल्ट वहाँ पर आपको प्रीव्यू दिख रहा है वो केस था, ठीक है। लेकिन अगर मुझे अपने ही बॉडी एरिया पे जो है वो कॉपअप करवाना है प्रोग्राम की, तो सिंपल मैं यहाँ से कंसोल ऐप के बदले, सबको पता है प्रीवियस सीरीज़ में डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ करते हैं फॉर द सिंटेक्स कॉलिंग, सेम लाइक दैट। आप यहाँ पर कॉल करा दें MSG, इसी के साथ आप इसको रन करा लें। तो मैं इसको रन करा लेती हूँ। अच्छा अब वजह क्या है, वहाँ पर प्रीव्यू नहीं हुआ। रीज़न इज़ दैट आपको फिर दोबारा से जावास्क्रिप्ट पे इसको लेके जाना पड़ेगा अगैन। फिर आप क्या करेंगे, आप नीचे दोबारा से आ जाएंगे टर्मिनल्स के ऊपर, एंड देन अगैन आपने टर्मिनल के ऊपर इसको फिर रन कराना है TSC स्पेस फर्स्ट प्रो डॉट ts। जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे ऑटोमेटिकली आपका ये टैग जो है वो जेएस के अंदर आ जाएगा, लाइक दैट आ गया। इसी तरीके से आपका ये टैग्स ऑलरेडी इंडेक्स के अंदर आ चुका है, अब ये डायरेक्टली ब्राउज़र के अंदर आ गया, ये देखें। तो इस मीन दैट जो भी लैंग्वेज लिखेंगे यू फर्स्ट नीड टू कंपाइल इट, उसके बाद ही वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। तो कंपाइल करना बहुत ज़रूरी है आपका। सो आई होप लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं सेकंड सीरीज़ के मेन प्रोग्राम के अंदर। सो अगर वीडियो को स्टिल पसंद आए आपको तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट।